हाय एवरीवन सो आज हम लोगों का फाइनली क्लास ट्वेल्व बायोलॉजी सीबीएसई का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं उन्हीं में से एक सेट जा चुकी है हमारे पास फिफ्टी सेवन स्लैश फाइव स्लैश टू अगर आपको भी कोई अपना सेट अगर सॉल्व करना है तो मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से मैच कर जाएँगे अगर कोई क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है और अगर आपको सेट सोल्व करवाना है तो आप कमिंग मतलब कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि प्लीज़ गिव अ लिंक सो दैट आई कैन अपलोड माय क्वेश्चन पेपर अगर कोई ऐसा डिमांड करेगा तो हम लोग लिंक एक प्रोवाइड करेंगे जिससे आप हम लोगों को उस पर क्वेश्चन पेपर अपना सबमिट कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो मैच ही कर रहे हैं अगर ऐसा लगे कि कोई थ्योरी क्वेश्चन है जो आप में अलग था इसमें अलग है तो आप उसको जस्ट टाइप भी कर सकते कमेंट में हम लोग आंसर दे देंगे सबसे पहले हम लोगों ने सेट फिफ्टी सेवन स्लैश फाइव टू लिया है मेरे एनालिसिस के हिसाब से मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चन जो हैं वो या तो पी वाई क्यूज लिए गए हैं नॉट डायरेक्टली बट कुछ कॉन्सेप्ट पी वाई क्यू के लिए गए हैं नहीं तो आपके एन सी आर टी को लिया गया है टू टू थ्री मार्क्स के जो आखिरी के क्वेश्चन मुझे लगते हैं कुछ फोर टू फाइव मार्क्स के क्वेश्चन वो कुछ मॉडरेट क्वेश्चन हैं जिन पे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ज़्यादा है रैदर देन जस्ट अगर आपने रटा हुआ होगा सो so, हम लोग इंग्लिश का यूज़ करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश बट समाइम्स आई मे यूज़ हिंदी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन सो फर्स्ट वी हैव इंटरफेरॉन्स आर प्रोटीन्स इट्स वेरी करेक्ट दैट इंटरफेरॉन्स वी हैव इंटरफेरॉन्स दे आर प्रोटीन्स इन ह्यूमन्स दे आर सिक्रिएटेड बाई वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सो द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर टू कहाँ दिया हुआ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में हमारा जो इम्यूनिटी का बैरियर्स है वहाँ पर साइटोकाइन बैरियर्स में दिया हुआ है कि इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो वायरस इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होते हैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट द पैथोजन मिसमैचड देखिए जब भी आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं कोई भी या बॉडी एम सी क्यू में इस तरीके के वर्ड्स को हाईलाइट कर लीजिए कि मिसमैच्ड है करेक्टली मैच्ड है रॉन्गली मैच्ड है सी यू ई टी का भी दे रहे हैं तो विथ द सिमटम्स ऑफ डिजीज कॉज बाई इट लाइक एंटामीबा हिस्टोलाइटिका ये हमको पता है कि ये एमीबिया कॉज करता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका कंस्टिपेशन और कॉन्बडोमिनल पेन यस ये इसके सिम्टम्स हैं इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एपीडर्मोफाइटन देखिए तीन चैनल दिए हुए थे एपीडर्मोफाइटन ट्राइकोफाइटन इस तरीके से हमारे पास शायद तीन दिए हुए थे और ये सब रिंग वॉम कॉज करते थे तो एपीडर्मोफाइटन सही आंसर है वुचरेरिया बैन वुचरेरिया वचरेरिया और वुचरेरिया मलाई ये दोनों हमारे पास एलिपेंटियासिस, यानि फलारियास के जो हेलमेंट्स हैं सो क्रॉनिक इन्फ्लमेशन ऑफ लिम्फैटिक वसल्स इन लोअर लिम ये एकदम सही है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज ये एक रॉन्ग है क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो हीमोफील इन्फ्लुएंजी जो होता है इट कॉजेज़ न्यूमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी एंड स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी आर द टू बैक्टीरिया विच आर रिस्पॉसिबल फॉर कॉजिंग न्यूमोनिया इसमें तो बेसिकली हमारा जो एल्वियोला होता है उसके अंदर फ्लूड फेल हो जाता है जिसके वजह से आपके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी बॉडी की थोड़ी कम हो सकती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये रॉन्गली मैच्ड है इसके बाद हमारे पर आता है द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इको सिस्टम देखिए टीचर्स भी यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़ हो रहे हैं बच्चे भी कन्फ्यूज़ हो सकते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर आंसर करें इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी दैट इस किलो कैलरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर अगर यहाँ पर जी टू दी पावर माइनस टू ईयर माइनस वन होता मतलब कि एन सी आर टी अगर आप खोलते हैं तो आप देखेंगे कि एन सी आर टी किलो कैलरी पर मीटर स्क्वायर को ग्राम टू दी पावर माइनस टू लेती है ये नहीं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए नॉट ए नॉट पी Year से डायरेक्टली मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता है प्रोडक्टिविटी है तो यहाँ पे टाइम मिसिंग है तो ये दोनों तो होंगे नहीं इन दोनों में मीटर यहाँ नहीं आना चाहिए था इसके बाद सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज ये हमारा इको से क्वेश्चन है तो हमने देखा कि दो क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से आए एक इकोलॉजी का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फार्मिंग प्लांट से है डिरेक्ट एन जिसको बोला जाता है वहीं से ये डायग्राम लिया गया है एक्स जो हमारे पास है वो सस्पेंसर है आपको याद होगा एक सस्पेंसर सेल्स होते हैं जो कि ऊपर की तरह डेवलप करते हैं और नीचे में हमारे इम्रायों को पुश कर जायकोट में खाना देने में मदद करते हैं पुशिंग करवा के जेड जो हमारे पास है वो बहुत इजीली समझ में आ रहा है वो रेडिकल है ये दो हमारे पास क्वारिलेडन्स हैं और ये यू जो है हमारे पास वो हमारा प्लेम्यूल है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए कि एक्स सस्पेंसर है वाई कॉटिलेडेंस हैं जेड रेडिकल है और यू हमारे पास प्लेम्यूल है सो ये आंसर होगा इसके बाद हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से क्वेश्चन है कि Given below are four aspects of reproductive health in column A and their related information in column B. MTP टी पी का मतलब क्या होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को इंडियन गवर्नमेंट ने लीगलाइज़ किया था नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन में अमेंडमेंट्स के जरिए और उसमें कुछ नए अमेंडमेंट्स लाए गए हैं टू थाउजेंड सेवेंटीन में नए अमेंडमेंट्स भी आपको याद होने चाहिए फर्दर अगर आप और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एमनियोसेंटेसिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज़ द एना एनालाइजिंग फीटल सेल्स फॉर एमनियोटिकलोइ आपको पता होना चाहिए एमनियोसेंटेसिस से दो क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं तो ए का हमारे पास होना चाहिए टू और बी का हमारे पास होना चाहिए वन सी का हमारे पास सहेली सहेली आपको पता होना चाहिए एक नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाई हुई है ये वंस इन अ वीक पिल है और इसमें प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस है ही नहीं ये नॉन स्टेरॉयडल पेल है इसके पास बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं सो ये नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है बिल्कुल सी का आंसर होगा फोर फैमिली प्लानिंग अगर हम लोग देखते हैं तो दिस वाज इनिशिएटेड इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू स्टार्ट फैमिली प्लानिंग इन 1951 फिर बाद में इसी का नाम बदल के रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम कर दिया गया था एनसीआर ने मैंशन किया हुआ है तो डी का वैल्यू होगा थ्री सो so, हम लोग देखते हैं टू वन फोर थ्री कहाँ पर हमारे पास आ रहा है टू वन फोर थ्री बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी शुड बी अवर आंसर इसके बाद इवोल्यूशन चैप्टर से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि एट विच स्टेज ड्यूरिंग इवोल्यूशन डेट ह्यूमन यूज हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड परीड देयर डेड इसका आंसर होगा नियांडल्स ये डायरेक्टली एन में दिया हुआ होमो इरेक्टस और जावा तो जावा तो एक तरीका का होमो इरेक्टस ही है तो ये दोनों तो होंगे नहीं होमो इरेक्टस से पहले होमो होमोहैबेलिस आया हुआ तो होमो है तो होमोहैबेलिस भी नहीं होगा इसके बाद आइए हम लोग आते हैं बहुत एक अच्छा क्वेश्चन मुझे ये लगा चूंकि हमारे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मॉलिकुलर बायोलॉजी से दिया गया है यह आपसे दो तो तीन कॉन्सेप्ट्स को चेक करने की कोशिश कर रहा है किवन बिलो इज सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन एम आर एन ए इन अ बैक्टेरियल सेल आइडेंटिफाई अमीनो एसिड दैट वुड बी इनकॉर्पोरेटेड एट कोडॉन पोजिशन थ्री एंड कोडॉन पोजिशन फाइव फाइव मुझे लगता है आपको चेक ही करने की ज़रूरत नहीं अगर देखिए आप डायरेक्टली देखते हैं तो आपको थ्री थ्री के सेट्स लेने थे तो ए यू सी आपका पहला सेट होना चाहिए था ए जी जी आपका तीसरा दूसरा सेट होना चाहिए था यू 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 तीसरा जी यू जी चौथा और ए यू जी पाँचवा सेट होना चाहिए था जी यू ए छठा और सी जी ए सातवा तो हमारे पास जो थर्ड हमारे पास आता है दैट इज़ यू 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 और फिफ्थ जो हमारे पास है वो एी सबको यह बात पता है कि यू 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 कोर्ट्स फॉर फिनाइल एलानिन एंड ए यू जी कोर्ट्स फॉर मिथियोनिन तो इसका आंसर बहुत सिंपली हमें मिल रहा था कि इसका आंसर होगा फ़िनाइल एलानिन एंड मिथियोनिन इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से एक है कि इंटरेक्शन बिटवीन क्लाउन फिश क्लाउन फिश आपको पता है एंड स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमोन दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंशलिज्म ये डायरेक्ट एन सी आर टी बुक से क्वेश्चन आया हुआ है कमेंशलिज्म पे इसके बाद ये तो पी वाई क्यू है ये तो डायरेक्ट रिपीट है मुझे लगता है प्रीवियस ईयर का कि इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूट बिलोंगिंग टू अ पॉपुलेशन बट नॉट टू एन इंडिविजुअल सी देखिए जैसे इस बच्चे ने भी नॉट को अंडरलाइन किया प्लीज अंडरलाइन नॉट बर्थ एंड डेथ रेट बिल्कुल बर्थ एंड डेथ रेट पॉपुलेशन का है ये आपके इंडिविजुअल का नहीं है मेल और फीमेल इंडिविजुअल का भी है पॉपुलेशन लेकिन ये इंडिविजुअल में आ गया बर्थ एंड डेथ एक इंडिविजुअल का भी होता है सेक्स रेशियो हमेशा एक पॉपुलेशन का ही होता है तो वन एंड फोर इसका आंसर होगा क्योंकि वन क्योंकि आपका बर्थ एंड डेथ रेट है इट्स बिलोंग ओनली टू अ पॉपुलेशन नॉट टू एन इंडिविजुअल सिमिलरली सेक्स रेशियो फिर हमारे पास बायोडाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी और कंजर्वेशन से एक बहुत इन टेक्स्ट क्वेश्चन करके लाया गया है ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं लगभग लेकिन डीप रीडिंग ऑफ एन सी आर टी ना ज़रूरी है क्योंकि ये डीप एन सी आर टी की एक लाइन है जिसको आप बहुत लोग छोड़ भी देते हैं वहाँ पे कई परसेंटेज भी दिए हुए हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन दैट आर एम्फीबियंस एन सी आर टी लिखती है कि एम्फीबियंस आर मोर वलरेबल टू एक्सटिंक्शन ठीक है परसेंटेज वाइज आप जाएंगे तो आपका कुछ किमनोसपॉम्स होगा हो सकता है लेकिन ऐसे तो आपका इसका आंसर मेरे हिसाब से एम्फीबियन ही जाएगा इसके बाद हमारे बायोटेक्नोलॉजी वन से क्वेश्चन है कि गिवन बिलो इज़ द रिस्ट्रिक्शन साइट इन ऑफ अवर रिट्रो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पी एच टी वन मुझे कमेंट में आप लोग बताइए कि पी एच टी वन हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है आप बताइएगा कि पी एस टी वन एंडो न्यू रिस्ट्रिक्शन एनजाइम आपने कहीं तो पढ़ा है एंड द क्लीविथ साइट्स ऑन अ टी एन ए वन देखिए मैं ही बता देता हूँ जब आप पी बी आर थ्री टू टू पढ़ते हैं पी बी आर थ्री टू 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 देट इज़ योर प्लास्मेट बाई वॉलीबर रोड्रिग थ्री हंड्रेड ट्वेंटी टू तो आप जब ये प्लास्मेट को बनाते हैं तो इस प्लासमेट में आपके पास दो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं एक हमारे पास एम पी सिलीन रेजिस्टेंट जीन है और एक हमारे पास टेट्रा साइकिलीन रेजिस्टेंट जीन है तो अगर हम लोग एम पी सिलीन रेजिस्टेंट जीन में हमारे पास जो रेस्ट्रिक्शन एंड रेस्ट्रिक्शन एजाइम होते हैं होते हैं पी वी ओ वन और पी एस टी वन और इधर हमारे पास होता है बैम एच वन और सैल वन ठीक है तो वहीं आपने पढ़ा है पी एच डी वन ऐसे इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है बस मैं आपके माइंड में डाल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चन है जो कि कई बार कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें हमको प्रोडक्ट मिलेगा देखिए सीधे सीधे इस तरह से कटिंग होगी एक आपको जो मिलना चाहिए मेरे हिसाब से वो आपको मिलेगा यहाँ से यहाँ का एक पार्ट और आपको एक दूसरा पार्ट मिलेगा यहाँ से यहाँ का तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन कि फाइव सी टी जी सी ए और थ्री डैश जी और इधर मिलना चाहिए थ्री डैश जी ये क्योंकि देखिए तभी होगा ना आप खुद सोचिए यहाँ सी सीधे इसके जी से बाइंड कर जाएगा टी दूसरे वाले से तो इस तरह से कटिंग होगी बाय मॉलिकुलर सीजर्स इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ये हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट और हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार पी क्यूज में क्वेश्चन आपने बनाया होगा कि साइक्लोस्पोरीने आपको ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है कोई बता सकता है साइक्लोस्पोरीने है क्या आपको ज़रूर याद होगा अगर आपने पढ़ाई की है तो आपके लिए यह सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन पूरे पेपर का है साइक्लोस्पोरी ने एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है जब आप लोग किसी भी पर्सन का कोई भी ट्रांसप्लांट करते हैं बॉडी में तो उसकी इम्यूनिटी को आप थोड़े दिनों के लिए सप्रेस करना चाहते हैं तो सप्रेस करने के लिए आप सप्रेसिव्स देते हैं इम्यूनो सप्रेसिव्स है उसमें से ही एक इम्यूनोसप्रेसिव है क्या कोई कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि हमारे बॉडी में से भी एक हार्मोन निकलता है जो कि इम्यूनोसप्रेसिव्स में यूज़ किया जाता है बिल्कुल सही जिसने भी कहा इट शुड बी कॉटी सोल कॉटी सोल जो होता है वो आपके कॉटिक्स में से एड्रीनल कॉटिक्स से रिलीज होता है ग्लूको है जो कि आपका इम्यूनोसप्रेसिव की तरह काम करता है उसी तरह से साइक्लोस्पोरिन जो है साइक्लोस्पोरिन ए ये भी एक इम्यूनोसप्रेसिव की तरह काम करता है इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं स्टाटीन स्टैटी जिसको क्लॉट हो जाती है जिसमें हर्ट क्लॉट हो जाता है जिसके पास तो क्लॉट बस्टर की तरह हम लोग स्टैटीस को यूज़ करते हैं स्टाटीस को हम लोग एक ईस्ट है मोनास् परप्यूरियस ठीक है मोनास्कस परप्यूरियस से हम लोग लेते हैं तो ए का होना चाहिए हमारे पास टू बी का हमारे पास होना चाहिए फोर स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकाइनेस सॉरी मुझसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया स्टैटीन्स जो है दैट इज नॉट यूज एज अ क्लॉट बस्टर स्टैटीन्स जो है वो मोनास्कस परप्यूरिया से लेते हैं और वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है नॉट एज अ क्लॉथ बस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है दिस इज यूज एज अ क्लॉथ बस्टर दिस इज ऑब्टेंड फ्रॉम द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकॉकस सो सी का हमारे पास होना चाहिए वन देखिए Uh, मैंने बताया आपको अभी कि स्टैटीन्स जो हैं दे आर यूज एज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग और हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज इज़ यूज एज क्लॉट बस्टर ठीक है उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास थ्री फोर वन और पेनीसिलियन तो आपको पेनीसिलियम नोटाटम से ही मिलता है तो डी का आंसर तो थ्री होना चाहिए तो टू फोर वन थ्री टू फोर वन थ्री बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर तो ये हमारे पास ट्वेल्व एम सी क्यूज़ थे काफ़ी मुझे अच्छे और प्रभावशाली एम सी क्यूज लगे सी बी एस ई ने अच्छे क्वेश्चन बनाए थे इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अजर्शन रीज़न्स की तो हमारे पास बहुत अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन अजर्शन रीजन ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन अजर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स एंड अजर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू तो चलिए डिकम्पोजिशन प्रोसेस इज स्लोवर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिगनेन एंड क्यूटीन अगर आप देखते हो लिगनेन एंड काइटीन ऐसे यहाँ होना चाहिए था फिर भी आप एजर्शन को ट्रू मानोगे स्पेलिंग मिस्टेक के वजह से आप एजर्शन को फॉल्स नहीं मान सकते कि काइटीन की जगह क्यूटीन छप गया या जो भी है एन ने क्लियरली मेंशन की हुई है कि लिग्न और काइटिन में टिकम्पोजिशन स्लो होता है और नाइट्रोजन शुगर के डेट्राइट में डिकम्पोजिशन फास्ट होता है टिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस ये भी एकदम सही है लेकिन इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए बी डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन अनबोर्न चाइल्ड बाय एम बिल्कुल गलत एम से आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो चाइल्ड का सेक्स वो तो आप डिटरमाइन करते हो एमनियोसेंटेसिस से ना वो तो आपने एमनियोसेंटेसिस को इसलिए बदनाम करके रखा हुआ है एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रैक्टिस टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आल्सो आल्सो वर्ड इन्होंने लिख दिया है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए तो मुख्यतः है ये लेकिन ये फिर भी आप सही मानोगे अजर्शन तो आपका रॉन्ग ही है तो इसके ऑप्शन नंबर 4 मेरे ख्याल से लायक है कि अजर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू इन थाला एंड एबनॉर्मल मायोग्लोबिन चें देखिए मायोग्लोबिन नहीं होना चाहिए मायोग्लोबिन तो हमारे मसल्स में होता है तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा ठीक है मायोग्लोबिन नहीं होना चाहिए इट शुड हैव बिन हीमोग्लोबिन और फिर भी थाला में आपके एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनते हैं हीमोग्लोबिन का नंबर कम होता है ठीक है अल्फा एल्फा इज कंट्रोल्ड बाय एच बी वन एच बी टू ऑन क्रोमोसोम सिक्सटीन मेरे हिसाब से सही है यू शुड बी अगेन राइटिंग योर आंसर एज फोर्थ ठीक है सिंथेटिक ओलिगो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स इनका नाम क्या होता है इनका नाम होता है प्राइमर्स जो ये होते हैं ना इनको आप प्राइमर्स बोलते हैं आर यूज ड्यूरिंग एनीलिंग इन पी सी बिल्कुल एनीलिंग में ही आप इनको यूज़ करते हो द प्राइमर्स बाइंड टू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्राइमर्स आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बाइंड करते हैं एट देयर कॉम्प्लीमेंट्री रीजन क्या क्या यही रीज़न है कि उनको यूज़ किया जाता है नो दिस इज़ नॉट द रीज़न तो इसका आंसर होना चाहिए टू ये दोनों सही स्टेटमेंट्स हैं तो दर्शन रीज़न प्लीज़ मिला लीजिएगा अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग बस एक्सप्लेन में कर सकते हैं लेकिन पूरा आंसर तो हम नहीं लिख सकते हैं बट आई कैन एक्सप्लेन यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच शुड बी प्रेजेंट इन योर आंसर सो दैट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स एंड इफ यू फाइंड दैट एनी सच पॉइंट आई एम मिसिंग यू हैव रिटन यू हैव कन्फ्यूजन और यू थिंक दैट आई हैव टोल्ड रॉन्ग यू कैन जस्ट कमेंट इन द सेक्शन वी विल इट so state the principle involved in separation of dna fragments using gel electrophoresis see there are two principles basically involved one one is that dna is negatively charged and it moves towards the positively charged anode under the electric field and second is that due to the sieving effect of the agarose gel the smaller fragments move most appropriate is the first one because the name only suggests electrophoresis pest will be first but if you have written both, it's well and good. How are DNA fragments visualized once they are separated by gel electrophoresis? In sequence, you need to mention that first we need to stain them with ethidium bromide, and then we need to splash on ultraviolet rays, and then we will be able to observe bright orange colored bands. So this is the proceed. This is the steps how you should have written your answer give an example of a genus of fungi that form mycorrhizal association very very important and highly repeated question in neat. I think port and I think in COET it can also come the answer should be glomus. Okay, the answer is glomus. Now, how does the plant derive benefits? Strictly many points are written in NCRT that it helps plant become resistant to many abiotic stresses like drought then uh, it increases the phosphorus intake, it helps in the phosphorus intake. So, many points are given, you can see directly from NCRT. <coughs> Excuse me. Name any two techniques used to detect cancer. There are many techniques, but I, I am naming the easier ones one is your biopsy, and next is your MRI. It is MRI. Now, write any about any one of them. You can write about this. I think it's only uh, one mark question. So, you need not explain that mag so much. So, you can just explain magnetic resonance imaging. It uses non-iosing radiations. It is the safest method which can be used. So, all this you can measure. Write. Uh, so, this is a good question. I, I keep this question in a good question. Okay. Because students might have faced, means those who are. To the point, students, they have written, but some of them might have faced some issues. Next is the graph given below shows the number of primordial follicles. You know what are primordial follicles per ovary in women at different ages. Very good. No need to see this graph. I I say that no need to see this graph. Without seeing this graph, also you can answer any question. I think that without seeing this graph, also you can answer questions. Like, what is the average age of the woman? You should know onset of menopause. What is the average age? Not this is not asking you the range. See at the onset of menopause, if I say postmenopausal women. पोस्ट मेनो पॉज स्टार्ट कब हो रहा है देखिए आप अगर ग्राफ को देखते हैं तो भी आपको दिख रहा है इट्स फोर्टी फाइव ईयर्स और अगर आप ग्राफ आपको नहीं पता था तो भी आपने पढ़ा हुआ है फोर्टी फाइव ईयर्स टू फिफ्टी ईयर्स पे मेनो पॉज स्टार्ट हो जाता है तो आपका एवरेज एज के रूप में फोर्टी फाइव ईयर्स ही लेना चाहिए था उसके बाद तो कंटिन्यूस मेनो पॉज है ना उसके बाद तो आपका मेनो पॉजल वुमेन का संख्या ज़्यादा है लेकिन मेनो पॉज स्टार्ट कब हुआ ऑनसेट आपसे पूछा है अगर कोई बच्चा फिफ्टी टू सिक्सटी के बीच में आंसर दे रहा है दैन इट नॉट द ऑनसेट ऑनसेट फोर्टी फाइव में हुआ है ओके सो यू शुड रिमेंबर दट आंसर शुड बी थिंक बिकॉज दिकॉज द मेन वर्ड दैट यू हैट एज द मैक्म प्राइमोडियल फॉसिकल फॉलिकल्स प्रेजेंट इन द टाइम ऑफ बर्थ यू शुड नो दैट एट द टाइम ऑफ बर्थ आई थिंक मैक्सिमम फॉलिकल्स

द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल आर प्रेजेंट ना अबिंग टॉटवाइज इन गैलापेगोज आइलैंड हैबाउट कॉम्पटिशन कॉम्पटिशन से क्वेश्चन है ठीक है दैट डू टू दिन ग्रेटर ग्रेजिंग एफिशियंसी ऑफ द गोट्स और कॉम्पटिशन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा पा यूजिंग पुनट स्क्वायर डिपेक्ट द जीनो टाइप एंड द फीनो टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस ओके इफ आई एम एबल टू गेट सम शीट हियर I can show you if I am able to get some sheet. No, I am not able to get it. Okay, no need directly. Also, I can uh, get you. Yes, so we have Punet Square. Now, I wanted to make the cross. It is written that green pod color. Green pod color. Okay, so let me check if I can get the question.